कल रस के चार अंग बताए गए जिसमें अस्थाई भाव की चर्चा की गई थी। आज हम रस के दूसरे अंग विभाव के बारे में जहाँ बता रहे हैं। विभाव को इस रूप में परिभाषित किया गया है, अस्थाई भावों के जगा देने के जो कारण हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, विभाव के दो अंग होते हैं। पहला आलंबन विभाव, आलंबन विभाव को इस रूप में परिभाषित किया गया, जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में अस्थाई भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। विभाव का दूसरा अंग है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव को इस रूप में परिभाषित किया गया, आलंबन विभाव के द्वारा जागृत अस्थाई भाव को जो उद्दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जैसे बौने के वर्णन में बौने का अटपटी चटपटी बात करना उद्दीपन विभाव है, क्योंकि इन्हीं बातों से हमें पहले से अनुभव होने वाले हास में तीव्रता आई थी। अब रस का तीसरा अंग है अनुभाव। अनुभाव को इस रूप में परिभाषित किया गया, अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय जो भी स्वाभाविक वाह्य चेष्टाएं करता है उसे अनुभव करते हैं। जैसे क्रोध का अस्थाई भाव जागृत होने पर आश्रय की आंखों का लाल होना, होठों का फड़कना आदि। रस का चौथा अंग है संचारी भाव। अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोभावों को संचारी भाव कहते हैं। ये संचारी भाव क्षणिक होते हैं, अस्थाई भाव स्थिर रहता है, संचारी भाव अनेक रसों में संचरण करता है, इसीलिए इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। एक रस का अस्थाई भाव दूसरे रस का संचारी भाव भी हो सकता है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 है। आज इतना ही, कल आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित जो दो रस हैं उनकी चर्चा होगी।